देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच कल के मुकाबले आज 5000 से अधिक संक्रमण के केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 43,263 मामले सामने आए हैं और 338 लोगों की मौत हो गई है। वहीं देश में कुल मृतकों की संख्या की बात करें तो यह आंकड़ा 4,41,749 हो गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बुधवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 37,875 नए मामले आए थे और 369 लोगों की मौत हो गई थी। दुनिया में बीते दिन सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले अमेरिका के बाद भारत में आए हैं। कोरोना एक्टिव केस के मामले में भारत अब छठे स्थान पर पहुंच चुका है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर को लेकर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा चिकित्सीय अध्ययन सामने आया है। नई दिल्ली स्थित एम्स के डॉक्टरों ने 2000 से भी अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों पर अध्ययन करने के बाद पता चला है कि संस्थान में भर्ती होने के 48 घंटे के भीतर सर्वाधिक 21% मौतें दर्ज की गई हैं। करीब 89 मरीजों की हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों को 2 दिन का समय भी नहीं मिल पाया। इस साल अप्रैल से जून माह के बीच एम्स में 2,080 मरीज भर्ती हुए थे, जिसमें से 406 मरीजों की मौत दर्ज की गई थी। इन कोरोना मरीजों की केस हिस्ट्री से पता चला है कि कोरोना संक्रमण के चलते हाइपोक्सिया होने पर मरीजों को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जब मरीज के वेंटिलेटर पर रहते हुए परेशानी होती है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच स्कूल कॉलेज खोले जा चुके हैं। बाजारों में भी भारी भीड़ उमड़ रही है और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी होते नहीं देखा जा रहा है। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों में सख्ती के बाद राती कर्फ्यू में भी ढील दे दी गई है। अब रात 11 बजे तक बाजार खुलने का निर्देश योगी सरकार ने दे दिया है। रेस्टोरेंटों, होटलों और ढाबों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह गया है। उत्तर प्रदेश में सियासी दल सम्मेलन और यात्राओं में व्यस्त हैं, जिसके चलते कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी उनके सम्मेलनों और यात्राओं में होता नहीं दिखता है। वहीं रेल और बस की बात करें तो यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है और ना के बराबर लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। दूसरी लहर की त्रासदी झेल चुका उत्तर प्रदेश फिर से लापरवाही की ओर चलने लगा है।